आफ्टरनून हो रहा है। आज सुबह से हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आदी की तबीयत भी अभी इतनी ठीक नहीं हुई है। पहले से आराम है उसको, रेस्ट है, रेस्ट कर रहा है तो पहले से आराम है, बट अभी उतनी ठीक नहीं है जितनी हो जानी चाहिए थी। और व्लॉग ना स्टार्ट करने का एक रीज़न ये था क्योंकि मुझे आज व्लॉगिंग करनी ही नहीं थी, मूड भी ठीक नहीं था, माइंड भी एक जगह सेट नहीं था हम लोगों का। क्योंकि रात एक ऐसी वीडियो देखी हम लोगों ने अपने भाई की, जो अभी हमारा भाई ख़त्म हुआ है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, किसी ने बनाई होगी वहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट पे, तो वो फेसबुक के थ्रू वायरल हुई है, वो हम लोगों तक पहुँची, वो देखी। उसको देख के दिमाग इतना ख़राब हुआ है रात से लेके कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिर्फ मुझे आज इतनी आप लोगों से बात करनी थी। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ना ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाऊँगी मैं आज। सिर्फ इतना कहना है, जब भी आप किसी ऐसे को देखें जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कृपया करके उस एक्सीडेंट की वीडियो ना बनाएं, बनाने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पुलिस को इन्फॉर्म करें या जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल हो वहाँ आप उसको लेके जाएं। कोशिश करें उसको समय से अस्पताल पहुँचाने की, ताकि जो मिस हैपनिंग हमारे साथ हुई है, जो लॉस हम लोगों का हुआ है, वो और किसी का ना हो। हमने अपना भाई खोया है, चाची ने अपना बेटा खोया है, सबको बहुत परेशानी है। और अगर कोई, जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, जो उनसे पहले वहाँ पे आए थे, एक भैया थे उस वीडियो में हमने देखा, सिर्फ उन्होंने ही आके उसको हाथ लगाया, देखा कि अभी है या नहीं है इसमें कुछ, अब भी अगर उससे पहले कोई देख लेता तो शायद जो हुआ वो नहीं होता। हमारा भाई जो था वो हम लोगों के साथ होता, जो अब नहीं है। अभी 3 दिन हुए हैं सिर्फ इस चीज़ को, जितना हम लोग उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, दिमाग वहीं घूम फिर के वापस चला जाता है। और वीडियो देखने के बाद से तो हालत ये है सबकी कि शायद कोई समय से आ जाता, ले जाता, तो इतना ही बड़ी बात नहीं होती जो हुई है। तो जो भी लोग सड़क पर रुक के इस चीज़ का तमाशा बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं अपलोड करने के लिए, वो ऐसा ना करें। हो सके तो उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाएँ। आप नहीं ले जाना चाहते पुलिस के डर के मारे कि पुलिस केस हो जाएगा या कुछ भी है, तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, या फिर किसी हॉस्पिटल जो नज़दीकी हॉस्पिटल हो उसको इन्फॉर्म कीजिए। मेरे भाई का जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ बिल्कुल रोड क्रॉस करके सामने ही हॉस्पिटल था, SG हॉस्पिटल, उसके सामने ही उसका एक्सीडेंट हुआ, पर लोगों ने उसे बीच रोड से उठा के साइड में तो कर दिया, पर कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज वो हमारे साथ में होता, चाहे हॉस्पिटल में ही होता, बट होता हम लोगों के बीच में, हम लोगों से अलग इतनी दूर नहीं गया होता जहाँ से अब वो वापस नहीं आएगा, कोई उम्मीद नहीं है। अगर हॉस्पिटल में होता तो शायद एक उम्मीद रहती जब तक भी वो रहता वहाँ पे कि हाँ वो है। तो ऐसा ना करें, वीडियो बनाने की में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए हॉस्पिटल ले जाएं। थोड़ी सी जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए, फिर चाहे मैं हूँ या आप लोग हों, तमाशा ना देखें, बंदे को हॉस्पिटल लेके जाएं। हो सकता है आपके एक मिनट से, आपकी एक हेल्प से किसी का भाई, बेटा, बहन, बेटी, जो भी है उस स्थिति में, वो उनसे दूर ना हो, अपनों को ना खोए हम लोग। तो कृपया करके जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोग देखें सड़क पे एक्सीडेंट का, वीडियो ना बनाएं, उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें, हो सके तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें जल्द से जल्द। तो इस आपकी छोटी सी हेल्प से उसका परिवार जो है वो किसी अपने को नहीं खोएगा। जिस स्थिति में हम लोग हैं आज, कोशिश करें कि उस स्थिति में कोई और ना आए, स्पेशली एक्सीडेंट के केस में जहाँ हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, इस वीडियो को सिर्फ आज बनाने का मेरा मेन जो पर्पस है वो यही है कि जो लॉस हमें हुआ है वो किसी और को ना हो। जो दुख से हम लोग, जिस दुख से हम लोग गुजर रहे हैं आज, हम हैं, मेरी चाची हैं, और लोग हैं, उसके भाई बहन भी हैं अपने, क्योंकि सबसे छोटा घर में था, सबसे छोटा गया है, 26 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी बेचारे की। ब्रेकर आया, उसने ब्रेक लगाए, पीछे ऑटो वाला इतनी स्पीड से आ रहा था, उसने इतनी स्पीड से ब्रेक मारे, उसने ब्रेक भी नहीं मारे, सीधा उसमें टक्कर मारी और वो रोड से, रोड पे इतनी दूर जाके गिरा कि उसके ब्रेन में इतनी ज़्यादा चोट आई है, चोट आई थी, इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि उसका माइंड अपनी जगह से इतना ज़्यादा हट गया कि डॉक्टरों ने हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मना कर दिया। 35 mm अपनी जगह से उसका माइंड हट चुका था जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका था, जब तक बिल्कुल डेड था, ख़त्म था, सिर्फ उसका हार्ट 5% से 10% काम कर रहा था, जो कि उसको वेंटिलेटर पे रखा गया रात को, पर रात में 1:40 के बाद में वो धड़कन भी उसकी बंद हो गई।
तो शायद कोई टाइम से ले जाता तो आज हमारा भाई हमारे साथ में होता, ये सब नहीं हुआ होता। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे वो शेयर करें, वायरल करें इस वीडियो को, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। चलिए इसको मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जो मैंने कहा हो सके तो उस पर अमल कीजिए और किसी का वीडियो ना बना के उसकी हेल्प कीजिए। चलिए अब आप लोगों से बाद में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री श्याम।